हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कुक विद आरती। सो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही कोल्ड मैंगो आइसक्रीम, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है और गर्मी भी चल रही है और गर्मी में मन करता है कुछ ठंडा ठंडा खाने का, और आइसक्रीम अगर गर्मी में मिल जाए तो मज़े ही आ जाते हैं। तो बाहर से तो अब हम मंगा नहीं सकते आइसक्रीम, तो घर में ही बनाएंगे आज हम बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही ठंडी ठंडी मैंगो आइसक्रीम। तो चलिए देखते हैं इस मैंगो आइसक्रीम के बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कटोरी मैंगो के पीसेस कट करके रख लिए हैं, और एक कप दूध लिया है, और एक कटोरी ये ली है मलाई, और लिया है एक कटोरी चीनी और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। सबसे पहले गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं और अब इसमें दूध डाल देते हैं। दूध हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बचाएंगे, और अब इसे हम बॉईल करेंगे चलाते हैं। वो बॉईल होने लगा है तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और इसे भी थोड़ा सा मिला देंगे, और जब तक चीनी मेल्ट हो रही है तब तक हम अपना कॉर्नफ्लोर और मिल्क का पेस्ट में दूध ऐड कर देते हैं, और ऐड करते करते मिलाते जाएंगे वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हो चुकी है तो अब हम इसमें अपना कॉर्नफ्लोर का पेस्ट मिला देते हैं और अब इसे अच्छे से चलाएंगे। धीमी आंच पे हमें इसे चलाना है वरना ये नीचे लग भी सकता है। अगर जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे चलाते हुए। जो दूध है वो गाढ़ा होने लगा है, लेकिन अभी हम इसे उतारेंगे नहीं, अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। दूध बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है तो अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने रख देंगे। इसे मिलाते ठंडा कर लिया है, बहुत ही अच्छे से ठंडा करना है, बिल्कुल भी गुनगुना नहीं रहना चाहिए। तो अब हम इसे ग्राइंडर में डाल देंगे जो हमने कट करके रखे थे, और अब हम इसमें मिला देंगे ये बैटर। बॉक्स ले लिया है और इसी में मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा डाल लिया है, अब मैं इसको एक लिड से ढक दूंगी, और ढकने से पहले मैंने इसे पटक दिया जैसे कि आप लोगों ने देखा, जिससे कि इसकी सारी एयर चली जाए। मेरे पास ये एयर टाइट बॉक्स था, अगर आपके पास एयर टाइट बॉक्स ना हो तो आप किसी सिल्वर फॉइल या फिर किसी प्लास्टिक की पन्नी से इसे ढक देंगे। बस हो चुके हैं और हम अपनी आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हल्की सी जमी है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी आवाज़। ये जो अभी आवाज़ आ रही है थोड़ी सी, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। अभी हम इसको दोबारा से ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, तो फिर हमारी जब ये ग्राइंड होके जब फिर से जमेगी तब हमारी आइसक्रीम बिल्कुल बाहर जैसी स्मूथ सॉफ्ट आइसक्रीम बनेगी। तो चलिए अब इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं। आइसक्रीम जो है वो अच्छे से फेंट चुकी है और आप लोग देख ही सकते हैं इसमें कोई सा भी आइस क्रिस्टल नहीं बचा है। तो अब मैं इसे इस बॉक्स में निकाल लेती हूँ। कितनी स्मूथ हो गई है ये देखिए। सारा आइसक्रीम का बैटर इस बॉक्स में निकाल लिया, अब मैं इसे थोड़ा सा टैप कर दूंगी जिससे कि इसकी एयर निकल जाए, और अब मैं इसे इस लिड से ढक दूंगी। मेरा पास एयर टाइट बॉक्स है, अगर आपके पास एयर टाइट ना हो तो आप सिल्वर फॉइल से ढक के फिर रखिएगा फ्रिज में। अब मैं इसे फ्रीजर में करीब 8 घंटे के लिए रख दूंगी। आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से जम के बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आप लोग देख ही सकते हैं। तो अब मैं इसे खोलती हूँ। वाओ, ये देखिए आप लोग कितनी सॉफ्ट बनी है। तो अब मैं थोड़ा सा इसे स्ट्रेच कर दूंगी जिससे कि आराम से निकल आए जब मैं इसे निकालूं। स्ट्रेच कर लिया, अब मैं इसे इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा टैप करेंगे हम इसे,
आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से निकल आई है, देख सकते हैं आप लोग। तो अब मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी स्मूथ बनी है, बिल्कुल बाहर जैसी आइसक्रीम। ये देखिए, वाव, ऐसी मैं कट कर लेती हूँ, लग रही है ना बिल्कुल बाहर वाली आइसक्रीम। और अब तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी बाहर जैसी आइसक्रीम मंगाने की और खाने की, घर में बनाइए और खाइए मेरी मैंगो आइसक्रीम की वीडियो। और मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने दो बार आइसक्रीम को ग्राइंडर में ग्राइंड किया था, फिर मैंने उसे दो बार ही फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए रखा था। जब आप उसको दो बार ऐसे करते हैं तो आपकी बिल्कुल बाहर जैसी स्मूथ सॉफ्ट सॉफ्ट आइसक्रीम बनके रेडी होती है, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। और अगर आप भी ऐसा करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल बाहर जैसी, जैसे कि क्वालिटी वॉर्स वाली आइसक्रीम आती है, वैसी आपकी आइसक्रीम बनके बिल्कुल रेडी होगी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो नीचे जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर ही बनता है, और एक लाइक आपको कर भी दीजिएगा, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।